हाय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मेरा मूड जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, मेरा मतलब टर्म वन का लास्ट एग्ज़ाम था, और मैं अच्छे से प्रिपेयर की थी और एग्ज़ाम भी मेरा बहुत अच्छा गया। बट मेरे को एक चीज़ की थोड़ी चिंता थी, वो थी कि अगर ओडिया के ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि ओडिया मैं थोड़ा स्लो लिखती हूँ ना, तो इसीलिए। बट एनीवेज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, गूगल फॉर्म ख़त्म हो चुका था और रिटर्न फॉर्म ख़त्म हो चुका था। ये मम्मी आंखें चेक कर रही थी और थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर दे रही थी। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, मस्ती तो थोड़ी सी बनती है, इसीलिए मम्मी और मैं जा रहे हैं मेरे किचन के सामान लाने के लिए। जी हाँ, हमें किचन के सामान फिर से चाहिए, हमें बहुत सारी और चीज़ें बनानी है इसीलिए। और धूप कड़ाके की हो रही है, फिर भी हम लोग धूप में जा रहे हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुई है। इसी खुशी पे मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ, इसीलिए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे ही मैं रोड दिखा रही थी क्योंकि मैं कैमरा मैन हूँ ना, और ये इधर बहुत सारे क्लाइंबर्स शर्ब्स एंड हर्ब्स वो सब बन गए हैं। और ये है वो जगह जिधर मतलब खाल भाल वो सब है, क्योंकि ये सबसे डेंजर जोन है, ये मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है, क्योंकि इधर काम चल रहा है ना, देखिए कैसे हालत से इधर काम किया गया है। मतलब हाँ, रोड का काम चल रहा है बट फिर भी हमें उधर ही जाना है, हम दूसरे ब्रिज से नहीं जा सकते घूम के, क्योंकि उधर बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम लोग ये मुश्किल वाले जगह से जा रहे हैं। और ये मेरे को ना थोड़ा सा डरावना लगा, ये आगे आगे थोड़ा सा ठीक ठाक हो चुका है बट जो पीछे का रोड है ना वो ज़्यादा ठीक ठाक नहीं हुआ है, वो हमारे कॉलोनी के पास पास अभी कर रहे हैं इसीलिए। और ये हमारे कॉलोनी से थोड़ा सा आगे है, ये हम लोग दुकान पे आए थे, मम्मी बोले कि बेटा शूट कर लो, और ये हमारे फ्रिज के लिए कुछ क्राफ्ट पेपर चार्ट पेपर्स ले रहे थे, हमने प्लांट्स फेक प्लांट्स भी लिए और पेपर भी लिया। मैं यहीं उनका दुकान दिखा रही थी क्योंकि मेरे को इनका दुकान लिटरली बहुत पसंद आता है, क्योंकि इनके दुकान में सारे आर्ट सप्लाईज है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर के पास पास ही है तो इसलिए हम इधर आ जाते हैं लेने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल सप्लाईज स्टेशनरीज वो सब मिलते हैं। और हम मेरी मम्मी इनके साथ हमारे किचन का जितना बनाए सब शेयर भी करती हैं, इसलिए हम लोग काइंड ऑफ फ्रेंडली हैं, मतलब मम्मी और आंटी। मैं बहुत सी, मैं एक और भी अच्छी चीज है जो सुना, मुझे पता है आज बोल रही थी जो, क्या पता है ये उसकी, प्रियांशी एग्जाम खत्म हो गया? हाँ मेरा एग्जाम खत्म हो गया। आप क्या करोगे दिन भर? उसका शूट करूंगी एक क्लिप। कुछ बना रहे हो क्या? गम का वो है, आठा उधर है, सारा चीज तो है। ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ओ डानी डाटो। क्या? अरे लायन गिर गया बेटा। गुड इवनिंग, इधर आ जाओ मेरे गोदी में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम दीदी को जलाएंगे, जल्दी आ जाओ श्रेयांश, श्रेयांश जल्दी आ जाओ, इधर आओ। फ्रेंड्स लोगों को बोल दो गुड इवनिंग। लायन कैसा करता है? लायन से डरा दो, भूत करके डरा दो, फ्रेंड्स डर जाएंगे, थोड़ा डरा दो तो। कैसे आता है? लो दीदी पानी ले आई। ओ श्रेयांश ने घर मानी मानी। हाँ पी लो पानी पानी, इसको मत गिराना श्रेयांश। इतना थोड़ा पीने के लिए तुमको पानी की जरूरत है? बस वो ना आता है तो प्रियांशी का बोतल देख के उसको बस पीने का मन लगता है ना, मन लगता है। हाँ पानी जैसे उसने कभी जिंदगी में पिया नहीं। ओ खुशी तो देखो, खुशी जब भी तेरी। लो 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 लो। ये माँ मैं डर गया बेटा। ओ डर गया बेटा, दीदी को डराओ। डांस करो दोनों थोड़ा, तो देखते हैं हम लोग कैसे डांस करते हो। फिर क्या करोगे? अभी श्रेयांश आया है तो प्रियांशी के साथ थोड़ा ये लोग क्या देखेंगे, कार्टून और बॉस देखेंगे शायद। एंड प्रियांशी तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, थोड़ा आओ, कितना खुशी हो थोड़ा बताओ। एग्जाम खत्म हो गया तो इस लड़की को देखो, आज दोपहर सारा क्या की थोड़ा बता दो फ्रेंड्स लोगों को। सोनाक्षी साथ हमने क्राफ्ट नहीं बनाया, मैंने और सोनाक्षी ने एक दूसरे के लिए एमएस वर्ड फाइल्स बनाया, मैंने सोनाक्षी के लिए, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और कल इनका स्कूल छुट्टी है, 9 तारीख है। 9 तारीख है।
और कल सुबह से प्रियांशी एक चैलेंज वीडियो बनाएगी लिविंग इन बेड, बेड में। हाँ मतलब 24 आवर रहेगी बेड में, जो कि बहुत सारे अरे अरे कहाँ जो भी करना लगा दो। देखो अलार्म फेंक दिया, वो गुस्सा वाला है। अगर तुम बदमाशी करोगे ना वो आएगा और तुम्हें मारेगा वैसे। चूहा। तो ये दोनों देखते रहेंगे, अभी मैं जाती हूँ थोड़ा चाय बनाऊंगी। एंड प्रियांशी धूपा दिखा देना, संध्या भी दिखा देंगे। अभी इवनिंग हो चुका है 5:30। तो फ्रेंड्स देखिए, श्रेयांश आओ कुछ बात करना है। श्रेयांश कीप क्वाइट। श्रेयांश के सुनो सुनो श्रेयांश दीदी। बॉय। हां गुड बॉय। ऑड बॉय। ऑड बॉय्स। दीदी को थोड़ा रिक्वेस्ट करो, दीदी प्लीज लगा दीजिए। वो नहीं बोलेगा। चुप दीदी, लगा उसको। नहीं नहीं श्रेयांश दीदी को रिक्वेस्ट करो, दीदी प्लीज लगा दो। बोलो बोलो। वो लगा चुकी है दीदी। श्रेयांश वो देखने में घुस गया। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं एंड अभी मैं कुछ बैठी हूँ बनाने के लिए, इसलिए मैंने A4 साइज पेपर भी रेडी कर लिया एंड ग्लू स्टिक भी रेडी कर लिया है। एंड आप देखो कि हमारे घर की हालत, तो आप पूरा पगलू पगलू हो जाओगे। ये हमारी घर की हालत, ये घर नहीं लग रहा है, ये कूड़ा लग रहा है, ये सब कूड़ा लग रहा है। कबाड़ खाना तो बना ही नहीं, सो गई ना मम्मी आराम से नींद ले ले के सो गई, और इसीलिए वो अभी हमारा क्या बना रही हो? माइक्रोवेव। हम बेबी एलिस का ये यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक मिलने की संभावना हमें कम मिली है, हमारा बेबी अलाइव का। एंड किचन हमारा इन तक कंप्लीट हुआ है। तो अब मेरे को तो ये किचन कब बनेगा, और ये घर का हालत देख के ना मेरे को टेंशन हो जा रही है, और मम्मी के ऊपर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मैं अगर एक भी चीज़ ना उसके जगह से हिला दूँ तो मेरे को पड़ जाती है डांट। और मम्मी इतना चीज़ फैला के रखी है, मनी मन बहुत गुस्सा रहा है। सच बताऊँ आपको, बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हो, इसीलिए मम्मी को कभी नहीं बताया। ओके आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, आधा घर का जो टाइम टेबल लगा था मैंने वो भी निकाल दिया है, ये। और मैं बस सोच रही थी कि मम्मी का व्लॉग देख लूँ, क्योंकि मम्मी का टाइटल मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, और मैंने मम्मी की थोड़ी तारीफ भी कर ली मम्मी, इसीलिए मैं मम्मी का व्लॉग ही देखने वाली थी। और मेरे को कुछ बनाना था। हाँ मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो एक्चुअली रियल रेफ्रिजरेटर जैसे बन रहा है, और ज़्यादातर आपने जो कौन से कलर के रेफ्रिजरेटर्स देखे, फ्रिज बोल देते हैं, ज़्यादातर तो मैंने ग्रे देखे हैं, मतलब सिल्वर देखे हैं, तो इसीलिए हमने हमारे लिव प्योर के रेफ्रिजरेटर के लिए हमने एक वैसा पेपर मंगाया है जो हम इस पर चिपका सकते, पेपर एक्चुअली नहीं, वैसे कुछ मटेरियल मंगाया है, हाँ स्टिकर, वो हम लोग चिपकाएंगे इस पर, और वो कुछ रियल फ्रिज जैसा ही होगा, इसलिए हमारा फ्रिज अभी तक बना नहीं है। जब तक वो आएगा बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि डिलीवरी उन्होंने कितना टाइम लेते हैं नहीं, और अभी हम डिलीवरी वाले को नंबर घुमा के तो नहीं बोल सकते ना, जल्दी भेजो हमें किचन बनाना है बोल के। इसीलिए मम्मी हमारे किचन का काम ख़त्म कर दे रही, किचन का बस हमारे दो ही चीज़ें बचे, वो है जो कपबोर्ड है हमारा नीचे का, उसको ठीक करना है, एंड हमारा माइक्रोवेव बनाना। हाँ कपबोर्ड का अच्छे से हो गया है, एंड शेल्फ उसका बनाना है, रैक्स। तो इसलिए मैं अभी ढूंढ रही हूँ कि मैं कुछ बना सकूँ, एंड अभी देखो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ऑनलाइन कुछ आइडियाज़ ढूंढ रही थी ताकि मैं कुछ अच्छा बना सकूँ, और मैंने बहुत ही छोटा क्लिप बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने से मेमोरी फुल जा रहा था मोबाइल का, इसलिए। एंड ये है मेरा फाइनल लुक, मेरा टाइम टेबल मैंने बनाया, क्योंकि ताकि मैं चाहूँ रही थी कि मैं ऑर्गेनाइज रहूँ, मैंने ऊपर थोड़े से पोका डॉट्स दे दिए, साइड में फ्लावर कर दिया, और क्यूट सा डिज्नी प्रिंसेस वाला स्टिकर दे दिया। होमवर्क में मैं ट्यूशन होमवर्क प्लान्स भी दिया है, छुट्टियां हैं तो इसलिए सोचा कि अगर कुछ प्लान्स होंगे तो मैं उधर लिख लूँगी ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और टू डू लिस्ट भी दे दिया, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम होते हैं जो मैं भूल जाती हूँ, जैसे कि एडिटिंग या फिर फ्रेंड्स के साथ खेलना, वो मेरे को बोलता रहता है ना, इसलिए मैं कभी कभार भूल जाती हूँ। तो
इसीलिए मैंने ये बनाया है ताकि मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज हो सकूँ और इसको मैं मेरे एग्जाम मोड में लगा के रखूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरा बर्तन मांजना, काम, खाना सब खत्म, लेकिन मेरा सबसे बड़ा काम है वो किचन मेकिंग का जो बाकी है अभी तक। दिखाओ। और हाँ, आप लोगों को मेरा टाइम टेबल कैसा लगा ये बोलना। इसमें मैं मेरा जितना भी मतलब होमवर्क्स हैं ताकि मैं इसमें लिखूंगी ताकि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि कल मेरे को मेरे ट्यूशन का होमवर्क करना है, मेरा एग्जाम्स था, इसलिए ट्यूशन के होमवर्क को बिल्कुल टाइम नहीं दे रही थी मेरे, जो मेरे को दीदी दे रही थी, बट अब एग्जाम्स ख़त्म है तो अब टाइम देना पड़ेगा ट्यूशन होमवर्क। और शूटिंग के लिए मुझे भी टाइम देना पड़ेगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट, कीप वॉचिंग। आ जाओ, क्या हो गए, डोरेमोन बन गई क्या? डोरेमोन ऐसे स्लो मोशन में आता है। तो फिर क्यों ना आता है कि मैं, ये फिल्मी एक्टिंग है। ओहो, तो आई होप थोड़ा डोरेमोन का मिमिक्री करो ना। ये दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा प्यारा प्यारा डोरेमोन। मेरा वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि मेरा वॉइस डोरेमोन जैसा नहीं है। मेरा किचन का वॉइस जरूर निकाल। तुम बदमाशी कर रहे थे ना, इसीलिए। मैं बदमाशी नहीं कर रहा था, मैं बदमाशी बच जाऊं। ओके ओके बेटा। मैंने सिंचान जैसे लाल टी-शर्ट और येलो पैंट भी पहना है। हाँ, सिंचान को देखियो मम्मी टीवी में। हाँ, वो येलो पैंट पहनता है और लाल टॉप पहनता है। इधर दोस्तों, मैं सिंचान और मैं बहुत खुश हूँ। हाथ में लग गया, खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, लोगों को भी पूछो आप लोगों का एग्जाम खत्म होने से आप लोग क्या क्या करते हो। आप लोगों का एग्जाम खत्म होने से क्या क्या करते हो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना प्लीज, क्योंकि मेरे को और मम्मी को आपका कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है जब हम फ्री होते हैं, मुझे जरूर पढ़ते हैं। प्रियांशी ज्यादातर कमेंट नहीं पढ़ती है, मैं ही सारा पढ़ देती हूँ, बट कभी मैं भी पढ़ लेती हूँ प्रियांशी भी। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, बाय, कीप वॉचिंग, गुड नाइट। बाय। इसका